नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुलजार और मीना कुमारी का है। 86 साल की उम्र में बेहद क्रिएटिव और एक्टिव गुलजार फिल्म इंडस्ट्री में 60 के दशक से काम कर रहे हैं। आज भी नाम की वजह से कई लोग उन्हें मुस्लिम मान लेते हैं, जैसा गुलजार साहब के मेंटर बिमल रॉय ने माना था, पर असलियत में गुलजार सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। बाद में जब उनका रुझान गीत और नज्म रचने में हुआ तो अपना नाम बदलकर उन्होंने गुलजार रख लिया। पाकिस्तान में जन्मे गुलजार का परिवार बंटवारे से पहले दिल्ली आ गया था। गुजारे के लिए गुलजार ने गैराज में भी काम किया, लेकिन जल्द ही वो मुंबई आ गए, फिल्मों में गीत लिखने लगे। गीतकार शैलेंद्र उनके हुनर से काफी प्रभावित थे। उन्होंने ही बिमल रॉय के पास गुलजार को भेजा और बंदनी में गुलजार ने पहला गाना मोरा गोरा अंग लिखा था। गुलजार जब मीना कुमारी से मिले तब वो जिंदगी में बहुत तन्हा हो चुकी थी। वो गजलें लिखती थी और अपना गम कम करने के लिए शराब का सहारा लेती। गुलजार के रूप में उन्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया। दोनों अक्सर मिलकर एक दूसरे को अपनी शेर व शायरी सुनाया करते। एक बार रोज़ा शुरू होने से पहले जब गुलजार मीना कुमारी से मिलने आए, वो बीमार और उदास लगी। पूछने पर बताया कि इस बार बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाएंगी और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। अपनी दोस्त को परेशान देखकर गुलजार साहब ने पेशकश की कि वो उनकी तरफ से उनके लिए रोज़ा रख सकते हैं। मीना कुमारी मान गई। गुलजार साहब ने पूरे रोज़े रखे। रोज इफ्तार के वक्त वो मीना कुमारी के घर जाते, उनके सामने रोज़ा खोलते। इसके बाद कई सालों तक उन्होंने मीना कुमारी के लिए रोज़ा रखा और साथ में ईद मनाई। मीना कुमारी मानती थी कि गुलजार जैसा ज़हीन दोस्त और इंसान दूसरा कोई नहीं है। संगीतकार हेमंत कुमार ने एक किस्सा सुनाया था कि हेमंत कुमार के घर पर गुलजार जब राखी से मिले तो उनमें उन्हें मीना कुमारी की झलक नजर आई और दोनों ने झटपट शादी कर ली। एक बेटी हुई मेघना, जिसे गुलजार बोस की बुलाते थे। शादी के कुछ समय के बाद राखी अलग हो गई और गुलजार ने बेटी की परवरिश का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बोस्की के वो पापा नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नर्सरी में एडमिशन करवाने से पहले वो बेटी को 25 स्कूल लेकर गए कि उसे जिसमें पढ़ना हो पढ़ ले। रोज सुबह बोस्की के बालों की चोटी करना, आर्टिस्टिक तरीके से शूज के लेस बांधना और स्कूल से लौटने पर घर पर रहना जैसे सारे काम किए। मेघना मानती हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त उनके पापा हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।